वालदा का साथ देने का ऐलान। 8 फरवरी को वालदा के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और ख्वाजा आसिफ को शिकस्त भी देंगे। उस्मान डॉट डट गए। ये 8 फरवरी को इस बुजदिल बिशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार बार चीफ जस्टिस कायस फैज़ ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही, मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मंसब पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसादत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, अखलाकी जुरत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बिशरम को, इस बुजदिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माँ से, अपनी बहनों से, इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियाँ अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं। और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से।